दान करिया युवा साथियों की तरफ से एक तरफा वोट देंगा एक सारो गांव एक तरफा जीत बिरादरी फुल सपोर्ट है फुल सपोर्ट सब भाई साथ खुशी एक तरफा जिताऊं भाई खराब एक भी रोड नहीं पायो अपनी जाती सुरेंद्र कौशिक ने भी ये बनावांगा आप जी आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं। अच्छा। सुरेंद्र कौशिक जी आप आगे बढ़ो एक तरफा माहौल है जी एक तरफा जितावांगा कोई दिक्कत नहीं इंडियन नेशनल लोकल भाई साहब डेरोली जाट में सुरेंद्र कौशिक जी ने विधायक बना उन खातर ही हमने यो प्लान बना सके तब देवीलाल की तरफ से प्रकाश चौटाला जी की तरफ से और यो पूरा काम को एक संगठन हो गयो नवनीत जी की तरफ से कौशिक जी की तरफ से और तब देवीलाल जी की तरफ से। अच्छा एक तरफा कर दिया बिल्कुल कर दिया कितना वोट तो कम लाके समन तो बाकी 1200-1300 के करीब होगा मैं तो बैठो सब तो 800-700 ही लेके बैठो। छायाकार पत्रकार महोदय आपका यहाँ आने से आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है और हम तो कौशिक साहब ने जिता के भेजा अरे गांव के मौजूदा में भाई है राजपाल है ब्राह्मणा ते बढ़िया छवि बनी साहब बढ़िया तगड़ी बिल्कुल तगड़ी आज तो सब कुछ चेंज कर दिया बीजेपी सरकार किसान को किसान विरोधी है किसान को आपने पलट दिया पेंशन काट दी लोग रास्ता को पक्का को कौन है पक्का जी आप देख लो पक्का पड़ा जी सारा ही कंप्लीट सारी सरकार है झूठा एक रास्ता पक्का को नहीं वोट बैंक की राजनीति करियर चारा वायदा करके चला कौशिक साहब की तरफ एक तरफा है सारा काम भाई युवा साथियों की तरफ से एक तरफा वोट देंगा एक सारो गांव एक तरफा जीतीश बिरादरी फुल सपोर्ट है फुल सपोर्ट सब भाई साथ कोशिश एक तरफा जिताऊं भाई बहुत बढ़िया सब ठीक कौशिक साहब आ रहे हैं किस माहौल से काम बहुत बढ़िया काम का एकदम एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक तरफा माहौल एक तरफा सारो काम एक सारो एक बोल नहीं देगा। अच्छा तो 10 साल होगी बीजेपी ने रोड नहीं बनाया क्या है बीजेपी नहीं हुआ खराब एक भी रोड नहीं बनेगा एक भी ना रामविलास पंडित जी तो बड़को पत्तों में मिले जरूर बड़ पाड़ के बाढ़ भी लियो आज इतना वायदा करा सूखो से बाढ़ लियो और आज तक मंदिर को रास्ता नहीं पायो सुन आज तक ना बने ठीक आज तक रास्ता ही नहीं मिले सुन एक ही नहीं बढ़ा ना कुछ नहीं करा ये कौशिक साहब का वोट है ये बैठा जो गायब का वोट है हाँ बिल्कुल पूरा पूरा काम देखो और हम तो सबने देख लिया फिर कौशिक साहब ने देखा पूरा काम साथ हाँ जी सारो काम साथ से एक तरफ कौशिक साहब ने भी देख लिया सही बात और तो गया वो करके खराब वो सबसे अच्छा विकास करेगा तो करा
पण झूठा वायदा करया बहुत झूठ वोट बैंक की राजनीति करी गांव ने गुमराह करया मेलन बहुत अच्छा लाग्यो और नहीं पूरा जोर लगावा सारा टूटे पड़े ही सारा टूटे पड़े और हम तो कदेगा हम तो कदेगा तऊ जे भी जाल का विकास नहीं करे दुनिया के भी हम ना थेगा विकास नहीं करे मौसी और ना कदे हम अपन स्वार्थ करयो जी पूरा गांव एक तरफा से माहौल दिख रहा है। आज मैं डेरोली जाट में आया हूँ, गांव ने मेरे को बुलाया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का गांव है और गांव ने बड़ा प्यार प्रेम स्नेह इतना भयंकर दिखाया है कि नांगल सिरोही से पहले मोटरसाइकिलें डीजे और इतना भयंकर स्वागत करके मेरे को लेकर के आए हैं। आज पूरा गांव साथ खड़ा है। मैं जिस जिस भी गाँव में जा रहा हूँ मुझे बड़ा समर्थन मिल रहा है, पर डेरोली जाट ने जो आज समर्थन दिया है मैं उसको कभी भुला नहीं सकता। ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद है और डेरोली जाट में आज जितना भी जनसमूह आया है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समर्थन में आया है। इन्होंने मेरे को सबने आश्वासन दिया है और ये गांव एक तरफा पोलिंग करेगा। अब की बार आने वाली विधानसभा में यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक आपके आशीर्वाद से डेरोली जाट के आशीर्वाद से मैं बनकर के जाऊंगा। आज जिस प्रकार से गांव का समर्थन है, भाजपा कह रही बहुत विकास कर रही है, इस गांव में एक भी पक्की सड़क नहीं है। ये गांव भाजपा ने तो विकास कहीं नहीं करवाया, वो तो सिर्फ बोलने की बात करते हैं, झूठी बात करते हैं। फैमिली आईडी किसने बनाई? भाजपा ने बनाई। आम आदमी अनपढ़ आदमी आज क्या नाम है थैला लिए घूम रहा है, वो किसकी वजह से? भाजपा की वजह से। भाजपा ने आज तक मकान का गरीब का मकान का पैसा 2015 में मैं था 24 जुलाई को जब मैंने चार छोड़ा था 3000 मकान पास करके जब मैं छोड़ करके आया था किसी आज तक भाजपा के राज में कोई पैसा ही नहीं आया है। भाजपा तो सिर्फ काटने का काम करती है न कि कुछ बनाने का काम। झूठे ढकोसले झूठे वादे झूठी बातें करते हैं। इसी प्रकार से राव दान सिंह 10 साल मंत्री रहा कुछ भी इस इलाके में दिया नहीं। ये अपना जो हाईवे था ये भी उस समय गड्ढे में 6-6 फीट के गड्ढे हो गए थे। इसमें 2 किलो रोड़ी रावदान सिंह से नहीं पड़ी थी जो आज विकास का ढिंडोरा पीटने की बात करता है। ये दोनों आदमी ऐसे हैं जिन्होंने महेंद्रगढ़ का सर्व सत्यानाश किया है। अब की बार डेरोली जाट के आदमियों ने एक ही बात ठानी है कि हम डेरोली जाट से सुरेंद्र कौशिक को विजय बना करके भेजेंगे। जिस गांव में जा रहे हो एक तरफा सा माहौल दिख रहा है, ये अब की बार बदलाव है। अब की बार बदलाव कैसे है कि मैं जिला प्रमुख था, मैंने लोगों के बीच में काम किए थे और पिछली बार एक ऐसी मुहिम चला दी थी रामविलास जी ने कि मैं इसको मना लूंगा, मैं इसको बैठा लूंगा, किसी को भाई पैसे ले लिए, किसी को कुछ कर लिए, बरगलाने का काम किया था। तो लोगों के दिमाग में ये थी कभी सुरेंद्र कौशिक, मैंने ऐसी गलती की थी कि मैंने रामविलास का 2014 में पक्ष कर दिया था, उस गलती का खामियाजा मुझे पिछली बार भुगतना पड़ा और उस बात का फायदा कोई तीसरा आदमी उठा ले गया। परंतु अब की बार लोगों के दिमाग में एक बात है कि पूरी 5 साल 24 घंटे ये आदमी काम करता है, हमारे बीच में रहता है। अब की बार हम इसको वोट देंगे, जब जरूरत पड़ती है तो ये काम आता है, तो वोट किसी और को क्यों दें। ये आप जन समर्थन आप देख रहे हैं, सब लोग मेरे साथ हैं। रोज गांव के दौरे रहेंगे? मैं रोज गांव के दौरे करता हूँ, डोर टू डोर करता हूँ। मैं अब की बार मैन टू मैन मिलूंगा, डोर टू डोर जाऊंगा। किसी आदमी को चाहे वो कहीं भी रहे फोन पे भी संपर्क करता हूँ, मिलने की कोशिश भी करता हूँ, पर विधानसभा के अंदर ऐसा कोई आदमी नहीं रहेगा कि चुनाव तक मैं उसको मिलूंगा नहीं। ठीक है, धन्यवाद जी। सुरेंद्र कौशिक जी जब पहले जिला प्रमुख थे तब भी हमारे गांव को ग्रांट दी थी और आज भी सुरेंद्र कौशिक पूरे गांव के सामने बीच में जो भी हमने मांगी है उनको पूरा करने का आश्वासन दिया। हमें सुरेंद्र कौशिक पर पूरा विश्वास है कि जब भी उनका मौका मिलेगा विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, बैसिंह सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे गांव को पूरी जो वो सारा पूरा वो सारा पूरा करेंगे। हमें पूरा विश्वास है सुरेंद्र कौशिक पर क्योंकि उन्होंने हमें पहले भी ग्रांट दी हुई है। ठीक है, धन्यवाद। पहली जाट थी सुरेंद्र कौशिक ने विजय बनावांगा, आप जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सुरेंद्र कौशिक जी आप आगे बढ़ो, एक तरफा माहौल है जी, एक तरफा जितावांगा, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल ने बना दिया जी, आज तक कोई सरकार ने काम ही नहीं किया, गांव में कोई काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ आज तक। जैसे जो कुछ काम हुआ था वो इंडियन नेशनल लोकदल के उसके अधीन हुआ था, अब उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ गांव में, कोई काम नहीं हुआ। देख लो आप रोड वगैरह, कुछ काम नहीं हुआ। युवा सारे साथ है, हाँ सब बच्चे साथ है जी, सारे पूरा गांव एक तरफा माहौल है जी, एक तरफा जिताऊंगा डेली जाती।
सुरेंद्र कौशिक जी अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं सारे नौजवान डेरोली जाट के सारे। वाह भाई, ठीक।